न कोई भी चीज जो आपके मेदे से रिलेटेड है वो चाहे मतली है चाहे गैस है ब्लोटिंग है कुछ भी है अदरक उसमें अपना अहम किरदार अदा करता है आपने अदरक के बहुत से फायदे सुने होंगे लेकिन शायद आपको YouTube से भी कभी ये पता ना चले कि अदरक हमारे जिसम में काम किस तरह से करता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अदरक हमारे जिसम में किस तरह से काम करता है अदरक आपके मैदे के लिए सेव है ये हजारों सालों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है इसको कई कल्चर्स ने इस्तेमाल किया है जिनमें चाइनीज हैं ग्रीक हैं और अदब वाले भी अदरक को टॉप ऑफ द नेचुरल रेमेडी रखते थे और बड़ी बात यह कि इसके नुकसान भी नहीं है अगर ज्यादा खाओगे फिर तो एक्सेस ऑफ एवरी इज बैड अदरक को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं आप इसे काट के अपने खानों में शामिल कर सकते हैं आप इसे सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कहवा बना के पी सकते हैं अगर अदरक और लीम का कहवा बना के पिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है नाजरीन अब आप मैं आपको बताता हूं कि अदरक हमारे जिसम में करता क्या है ये किस तरह से हमारा खाना हजम करता है नाजरीन हमारे खाने को हजम करने के लिए एक लिक्वड होता है जो कि हमारा जिगर बनाता है उस लिक्वड को कहते हैं बायल जूस ये हमारा जिगर प्रोड्यूस करता है और फिर इसके बाद ये हमारे गॉल ब्लैडर में जाता है हमारे पत्ते में जाता है और फिर वहाँ से ये मैदे में या छोटी आंत में जाके हमारे खाने को हजम करता है तो अदरक का यहाँ पे काम ये है कि अदरक हमारे जिगर को स्टमुलेट करता है कि वो अच्छे से बाइल जूस बनाए अगर आपका बाइल जूस कमजोर होगा तो आपने जो खाना खाया है आपको उस खाने से ज्यादा वाइटामिन नहीं मिलेंगे वो वैसे का वैसे ही पखाने के रास्ते फीसिस के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा बाइल जूस का एक और काम ये होता है कि जिन लोगों को कब्ज होती है ये हमारी अंतनियों को फिसलन वाली बनाता है चिकनी बनाता है ताकि वहां से स्टूल आसानी से जो खुराक है वो आसानी से गुजर जाए बाइल जूस के कम होने का एक और नुकसान ये है कि जो बाइल जूस की नालियां होती हैं, वो तंग हो जाती हैं, जिससे हमें पीला यरकान हो सकता है जॉन्डस हो सकता है जॉन्डस पे मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वो जरूर देखें इसके अलावा नाजरीन सौंफ पुदीना और ये भी आपके बाइल जूस के बहाव को बेहतर बनाते हैं इसके अलावा अदरक के बहुत से फायदे हैं। ये एंटी इंफ्लामेटरी है सोच को कम करता है ये नेचुरल पेन किलर है दर्द को कम करता है जोड़ों की दर्द के लिए बहुत मुफीद है इसके अलावा अदरक एंटी फंगल है नाजरीन याद रखें कि जो फंगस का जरासीम होता है जिसे कैंडीडा कहा जाता है वो एंटीबायोटिक से नहीं मरता फंगस की दो तीन मिसालें ये हैं कि एक तो हमारे सर में सिकरी की एक मोटी तय जम जाती है इसके अलावा हमारे मुंह में हमारा मुंह अंदर वाली साइड से सफ़ेद हो जाता है ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है और इसके अलावा फंगस हमारी जल्द पे भी हो जाती है जो कि इचीनस ख़ारिश पैदा करती है और अदरक बहुत बड़ा एंटी फंगल है तो अदरक को इस्तेमाल करें यह सेफ चीज है इसका कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं खानों में इस्तेमाल करें सलाद में इस्तेमाल करें नाजरीन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें